देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है ये हमारे दस्तूर के फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है, किसी के मेहरबानी के लिए नहीं है। एक है फेवर करना और एक है आपका हक मांगना। हम यहाँ फेवर मांग नहीं रहे हैं, हमारा हक मांग रहे हैं जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। दूसरी चीज़, मुस्लिमों ने ये दिमाग से निकाल देना चाहिए, सब हिंदुस्तानियों ने अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, ये दस्तूर किसी ने किसी को दिया है, ये दस्तूर हम सब लोगों ने हम सब लोगों को दिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसका प्रीएम्बल जो स्टार्ट होता है दस्तूर का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द हिंदू ऑफ इंडिया, वी द क्रिश्चियन ऑफ इंडिया नहीं है। और ये जो एक गलत फहमी है कुछ लोगों के दिमाग में, ये दस्तूर कुछ लोगों ने कुछ लोगों को छोड़ के लाया हुआ है। हर हिंदुस्तानी ने उस वक्त में इस दस्तूर को पास करने के अंदर अपना हक और अपना ये रोल अदा किया है। इसके लिए कोई भी ये न समझे कि ये दस्तूर कुछ लोगों ने हम लोगों को फेवर बोल के दिया है, नहीं। तीसरी चीज़, मंडल कमीशन के बाद में दो बॉडी बनी है। एक बॉडी है सेंट्रल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन और दूसरी बॉडी है स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और ये कानून के तहत बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक जीआर के तहत बने हुए हैं। और ये कानून, दोनों कानून में हर 10 साल के बाद ओबीसी के लिस्ट में जो लोग हैं उनका रिव्यू किया जाए, और जो लोग उनको जो ओबीसी के रिजर्वेशन मिले हैं उसके वजह से फ़ायदा उठाकर आगे चले गए उनको निकाल दिया जाए, और जो लोग कमज़ोर हैं उनको इंक्लूड किया जाए, ये प्रोविजन की गई है। और गुज़िश्ता 20 साल के अंदर इसके ऊपर अमल नहीं हुआ है। तो हमारी पहली डिमांड होगी कि जो कमीशन के और ये हैं और एक्ट के अंदर प्रोविजन है उसके तहत इसका रिव्यू किया जाए हर 10 साल के बाद में। उसकी वजह है, बहुत सी कम्युनिटी इतनी ताकतवर हो गए हैं, 370 ओबीसी जमातों को अगर आप देखते हैं तो 10 जमातों को फ़ायदा हो रहा है, बाकी के 360 सिर्फ नाम के लिए हैं। तो ये जो 10 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मैं किसी जमात का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, वो फिगर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, गवर्नमेंट ने उसको पावर्स हैं, उसके तहत उन्होंने उसका रिव्यू करना, और जो लोग तगड़े हो चुके हैं उन्होंने एडवांस क्लासेस में चले जाना चाहिए, और एडवांस क्लासेस में से कुछ लोग जो वीक हुए हैं वो आना चाहिए ओबीसी के अंदर। ये हमारी पहली डिमांड होगी। और दूसरी हमारी ये डिमांड होगी कि जो हमको 5% रिजर्वेशन दिए गए थे उसका कानून बनाया जाए, और वो कानून उसी लाइन के ऊपर हो जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने बनाया था। ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ है, उसको कानून में तब्दील करने का है। एक बार वो कानून में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि जुडिशरी यानी कोर्ट, लेजिस्लेचर और इसको हम एडमिनिस्ट्रेटर, ये तीनों अलग अलग अंग हैं। तो अगर गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती है तो कोर्ट उसको कानून बनाओ ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो कानून अगर बना है तो वो राज्य घटना के मुताबिक बना है कि नहीं बना है, ये देखने का काम जुडिशरी का है। तो जुडिशरी ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकती कि तुम कानून बनाओ। ये हमारा जो कुछ भी मोर्चा है ये उसके लिए है, उसको उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि तुम जातिवाद के बेसिस के ऊपर जो ऑर्डिनेंस इश्यू किया गया था वो ऑर्डिनेंस को आपने कानून में तब्दील नहीं किया है, अभी भी आपके पास मौका है। कुछ ज़्यादा स्टडी वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने जितना स्टैटिस्टिक दिया है कोर्ट कन्विंस हो चुका है, जब ही तो उन्होंने ऑर्डिनेंस को स्टे नहीं दिया है। अभी जो मराठा आरक्षण के लिए जो बड़े पैमाने पे काम करना पड़ रहा है, उनको गली गली तक, घर घर तक, गांव गांव तक जाकर उसका स्टैटिस्टिक जमा करना पड़ रहा है, और अभी तक वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से उनका रिपोर्ट आया भी नहीं है गवर्नमेंट, नवंबर के अंदर वो रिपोर्ट आने का चांसेस हैं, और हमारे पास कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है।
हमारे सारे स्टैटिस्टिक्स हमने रिकॉर्ड पे लाए हुए हैं और उसको कोर्ट ने अप्रूव किया गया है और जो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया था उसी लाइन के ऊपर उन्होंने सिर्फ कानून बनाना है, ये हमारी दूसरी मांग रहेगी। और मुझे लगता है कि ये दोनों मांग के लिए एक तरीके का निवेदन देना भी है, लेकिन आज गवर्नमेंट को ये मालूम हो कि हम लोग ज़्यादा पैमाने के ऊपर इसके साथ में हैं, क्योंकि उनके पास ये निवेदन की जो बात हो रही है, खास करके आपने बात की है और साहब ने भी बात की है, तो ये निवेदन का मामला ऐसा है, एक किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। मिनिस्टर साहब दोनों भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जहाँ जहाँ पर भी मिनिस्टर साहब दौरे पे जाते हैं उनको निवेदन दिए जाते हैं, और जब मिनिस्ट्री का आखिरी दिन रहता है, चार्ज देने का रहता है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हजारों मिनिस्टरों की बात कर रहा हूँ, वो पहले उसके चार्ज देने के 2-3 दिन पहले से वो निवेदन फाड़ने का काम चलता रहता है। मतलब मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, और हकीकत भी है, कितनी निवेदन कानून के मुताबिक कितने रहते हैं, प्रोसीजर के मुताबिक कितने रहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बताना भी पड़ेगा, यानी फक्त मोर्चा काढल्यासारखं निवेदन तयार केल्यासारखं झालं नाही, निवेदन दिल्यासारखं देखील झालं, जैसे बोलते हैं शादी हुई, शादी हुए जैसा भी लगना चाहिए, तो ये तरीके का हम लोगों को इख्तियार करना पड़ेगा, पीसफुल करना पड़ेगा। और आपने जो कहा है वो भी हम चीज़ों को जानते हैं, और हो सकता है कि मराठा मोर्चे की जो नोंद ली गई है गवर्नमेंट की तरफ से वो मारामारी की वजह से भी हो सकती है, याद रखिए, क्योंकि पीसफुल चीज़ें होती है तो उसकी न्यूज़ भी नहीं आती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, प्रिकॉशंस पूरे लेने की कोशिश के करेंगे। और पीसफुल मोर्चा का मतलब ही ये है कि कोई आवाज़ पुकार नहीं होगी, हम बैनर साथ में रखेंगे और उसके बुनियाद के ऊपर अपन बात करेंगे, हो सकता है आपने ऐसा किया वो भी कर लेंगे, बस मुझे लगता है कि इसके बाद में ये दो लाइन ऑफ एक्शन के तहत दलवाई साहब आप बैठे हैं, आप सब और मराठा लोगों को भी साथ में लेंगे, वो आने को तैयार, कम्बन साथ में आने को तैयार, हमारी मीटिंग में कल थे, उसकी वजह है उनमें भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, और जो नाम देने की बात है मुझे ऐसा लगता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन, मुस्लिमों के लिए नहीं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड,